सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो फ्रेंड्स, इस मॉक में हम करने वाले हैं अड्डा 247 पर जो लाइव है आरआरबी पीओ का, उसी मॉक को हम अटेम्प्ट करेंगे। कहाँ मिलेगा वो बता देता हूँ मैं आपको। तो ये अड्डा की साइट है, यहाँ से हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, व्यू ऑल टेस्ट, तो इसी में सबसे ऊपर मिल जाएगा। कल ये लाइव हुआ था, कल मैंने देखा नहीं, आज देखा तो मैंने टेलीग्राम पर आपको इन्फॉर्म कर दिया था। तो अभी करते हैं इसको स्टार्ट, एंड आपका स्कोर कार्ड या फिर बोले तो स्कोर प्लीज़ ज़रूर शेयर करना। जब तक आपको वीडियो मिलेगी तब तक ये ख़त्म हो चुका होगा। ओके, नेक्स्ट टाइम बिल्कुल हम ध्यान रखेंगे, जिस दिन भी आएगा उसी दिन हम लगाने का ट्राई करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको कर देते हैं फुल स्क्रीन। सो पज़ल अभी हम एक बार स्किप करेंगे, छोटे वाले क्वेश्चंस करते हैं। के इक्वल्स टू आर के नहीं है, एक ए ग्रेटर देन के, ये भी गलत है, नाइदर नोर। टी ग्रेटर देन एस सही है, ई ग्रेटर देन एल, ई ग्रेटर देन एल बोथ। अरे हिचकियाँ कहाँ से आने लगी यार, टी ग्रेटर देन एस सही है, ई ग्रेटर देन एल, ई ग्रेटर देन एल बोथ इसमें भी, क्यू ग्रेटर देन ई गलत, ई ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्यू, ये आइदर और बन जाएगा, बोथ नहीं आइदर और। एम ग्रेटर देन एफ, एम ग्रेटर देन एफ सही है, ए ग्रेटर देन एस ये गलत हो गया, ओनली वन हो जाएगा इसका सही। सो 8% 4 डिफरेंट लोअर मोस्ट बिल्डिंग नंबर 1, सो इसको देखते हैं 4321। ठीक है, दो फ्लैट हैं ए एंड बी, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट है, 1 2 3 4। फ्लैट ए बी, इधर ए बी, इस तरफ ए बी, यू इज टू द वेस्ट ऑफ आर, सॉरी यू वेस्ट में है आर के, आर लिव ऑन इवन नंबर फ्लोर, तो या तो इधर होगा या इधर होगा। ओके, और फिर क्या है, वन फ्लोर गैप बिटवीन यू एंड डब्ल्यू, बोथ आर डिफरेंट नेम फ्लैट। और फिर है पी इज जस्ट बिलो डब्ल्यू बट डिफरेंट नेम फ्लैट, सॉरी गाइस, पी लिव्स जस्ट बिलो डब्ल्यू, पी हो गया। टू फ्लोर गैप बिटवीन एस एंड क्यू, तो इसमें तो हो नहीं सकता, एस एंड क्यू, क्यू लिव्स टू द वेस्ट ऑफ टी, क्यू टी एंड एस आ जाएगा इधर, वी इज वन ऑफ द, तो ये हमारा बन गया। इन विच डायरेक्शन वी लिव्स विद रिस्पेक्ट टू क्यू, नॉर्थ ईस्ट, एंड हु अमंग द फॉलोइंग लिव विद वी ऑन द सेम फ्लोर, वी के साथ है पी। फिर है नेक्स्ट डिफरेंट बताना है, पी एस यू क्यू, तो ये आर है जो कि अलग फ्लैट दूसरे फ्लैट का है। हु अमंग द फॉलोइंग लिव्स ऑन थर्ड फ्लोर, पी वी। और फिर ये है, देर आर 9% 3 generation 3 married couples हैं, जी इज़ द फादर ऑफ सी, सी जो कि ग्रैंडसन है के का, एफ इज़ द ओनली डॉटर ऑफ यू, एंड यू इज़ द मदर ऑफ, एफ इज़ द ओनली डॉटर ऑफ यू, यू इज़ द मदर ऑफ डी। फिर क्या बोल रहे हैं, ए इज़ द ब्रदर इन लॉ ऑफ जी, तो एंड जी हैज़ नो सिबलिंग्स, मतलब कि ए इज़ द ब्रदर इन लॉ बनेगा इस तरीके से, एंड डी इज़ अनमैरिड मेंबर, डी जो कि अनमैरिड है। तीन मैरिड कपल्स दिखाने हैं ना इसमें,
तो इधर मान लो हम के ले लेते हैं और फिर एक दो तो ये हो गए, फिर यू एफ एफ ओ डी तो बनेगा नहीं, सॉरी भाई क्या हो रहा है भाई, एफ इज फादर ऑफ सी, जी इज फादर ऑफ सी, सी इज द ग्रैंड सन ऑफ के, एफ है एफ इज द ओनली डॉटर ऑफ यू, ए इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ जी, एम इज डॉटर ऑफ एल, एम इज डॉटर ऑफ एल, एल इज डॉटर इन लॉ ऑफ यू, एल इज डॉटर इन लॉ ऑफ यू, इधर आ जाएगा एम जो कि इनकी डॉटर है। एंड फिर हम इसको कैसे अरेंज करने वाले हैं अब इसको देख लेते हैं। सो इधर एक डी है, इसकी वाइफ एल, एंड इधर एफ और इनकी मदर है जो यू, इधर के, और ये हमारा बन चुका है। हाउ यू इज़ रिलेटेड टू जी, यू रिलेटेड टू जी मदर, यू तो इसकी मदर ही हुई, और एफ इज रिलेटेड टू एम, एफ रिलेटेड टू एम, पैटर्नल अंकल सॉरी आंट, दो ही क्वेश्चन थे सिर्फ। सिक्स पर्सन आर अरेंज इन ए रो अकॉर्डिंग टू देयर नंबर ऑफ चॉकलेट डिक्रीजिंग ऑर्डर लेफ्ट टू राइट, एट मोस्ट टू पर्सन हैव मोर चॉकलेट, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, जो जिसके पास है 24, डिसेंडिंग में था ना ये, इस तरफ डिक्रीजिंग होता जा रहा है। एंड टी हैज़ द लीस्ट नंबर ऑफ चॉकलेट्स, यू हैज़ मोर चॉकलेट देन एस बट लेस, यू मोर देन एस बट लेस देन आर, एंड आर हु हैज़ 30 चॉकलेट्स, आर जिसके पास है 30, यू हैज़ मोर देन, ये पॉसिबल होगा नहीं, क्यू हैज़ मोर देन टी बट लेस देन एस, एस क्यू टी, तो आर यू एस क्यू टी, आर एस आर यू एस क्यू टी, यू के पास है 28, इधर है 30, बस तो ये बन गया। सेकेंड लीस्ट नंबर ऑफ चॉकलेट है क्यू, फिर है क्यू हैज़ 15 चॉकलेट्स, एस तो एस के पास पेयर पेयरिंग वाला है L12 E5 A1 D4 E5 R18 19 8 9 P16, ठीक है 12 13 14 15 16 17 18 19 20 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं बनेगा 4 5 6 7 8 फिर 9 5 पाँच से भी जाएगा, 3 3 6 हो गए तो मोर देन 5, फिर 7% लिव इन द डिफरेंट फ्लोर बिल्डिंग, ग्राउंड नंबर इज 1, ओके 7 6 5 4 3 2 1, एक सेकेंड में पानी पी लेते, ठीक है तो क्या बोल रहा है, आर लिव्स इन द थर्ड फ्लोर, जिसको एप्पल पसंद नहीं है
3% बिटवीन ऑरेंज एंड द क्यू क्यू जो कि है इवन पर। क्यू जो कि होगी इवन, ओके 1% लीव क्यू एंड मैंगो। अगर इधर हम क्यू ले ले, अब ये भी तो नहीं पता ऊपर नीचे कौन सा है। पांचवे नंबर पर है ग्रेप्स, फिर देखते हैं वन परसेंट लिव बिटवीन क्यू एंड मैंगो। फिर फिफ्थ पर हो गया ये 1% आर एंड वी वी जो कि ये नहीं है, तो आर एंड वी आ जाएगा इधर। यू स्ट्रॉबेरी लाइक करता है, वी नाइदर लाइक्स कीवी, तो इसमें कीवी भी नहीं आएगा और एप्पल भी नहीं आएगा। कीवी और एप्पल इसमें नहीं आएंगे। पी लिव्स बिलो टी, पी लिव्स बिलो टी एंड अबो एस। एस जिसको मैंगो पसंद नहीं है। अब देखते हैं इसको अरेंज करने का ट्राई करते हैं। तो एक बार यू तीन जगहों पर आ सकता है, क्यू फिर 1 2 3, तो इधर ऑरेंज, फिर इधर अगर लेते हैं तो इधर पॉसिबल नहीं हो पाएगा। क्यू अगर इधर लेंगे तो फिर 1 2 3, एक सेकेंड, 3 ऑरेंज आएगा इधर, ठीक है। फिर क्यू और मैंगो में एक का गैप है, तो इधर मैंगो आ जाएगा, क्यू एक छोड़कर मैंगो आ जाएगा इधर। और ये हो गया हमारा, ये हो गया यू स्ट्रॉबेरी, यू स्ट्रॉबेरी इधर आ गया और यू स्ट्रॉबेरी इधर आ जाएगा। फिर एप्पल इसमें भी नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा, तो एप्पल की ये जगह होगी एंड एप्पल ये आ गया। फिर क्या बोलते हैं टी पी एस ये कैंसिल हो गया, टी पी एस, ठीक है। कीवी इसमें नहीं है तो कीवी इधर आ जाएगी और एक बचा उसमें आ जाएगा, बनाना बचा एक जो कि ये वी को पसंद है। टाइम काफ़ी हो गया। यू लिव ऑन द फ्लोर, यू कौन से फ्लोर पर है भाई, 7th। हाउ मैनी पर्सन लिव बिटवीन द वन हु लाइक कीवी एंड टी, कीवी एंड टी, वन अमंग द फॉलोइंग, 4th पी मैंगो एंड ग्रेप्स, ग्रेप्स कहाँ है, ये रट्टी। फिर एजुकेशन का कोड बताना है, ये है 1st और 2nd एंड 4th में भी है, ठीक है। जी आर नहीं होगा, एम टी भी नहीं होगा, ओ जी नहीं होगा, डी टी आएगा इसका। जी आर का क्या वर्ड होगा, सो जी आर का इधर होगा फाउंडेशन, नहीं ऑफ हो सकता है, ऑफ राइट, ऑफ नहीं होगा, ऑफ इसमें भी है तो राइट होगा, राइट। फाउंडेशन का देखना है तो इधर 1st एंड 3rd में है, डीएन हो सकता है, डीएन के बाद है ओजी नहीं होगा, जीआर भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, सही है हमारा। राइट टाइम, तो राइट कहाँ पर है, राइट का हमने अभी निकाला था ना, राइट का था जीआर, ठीक है। टाइम का हमें निकालना है, तो टाइम है सिर्फ इसमें, तो जीआर होगा नहीं, एमटी, ओजी नहीं होगा, डीटी, एमटी होगा, जीआर एमटी। फिर है इसका ये कोड है, तो डिजिटल का क्या होगा, जीआर तो होगा नहीं, और फिर राइट का हो गया, डिजिटल का हमें बताना है, तो एजुकेशन का डीटी था, तो जीटी हो जाएगा इसका। एक सेकंड में दोबारा देख लेता हूँ राइट का कोड एक बार, तो राइट है इसमें जीआर, एक तो ये जीआर हो गया, एमटी होगा नहीं, ओजी भी नहीं होगा, ठीक है, डीटी भी नहीं होगा, सही है हमारा, तो जीआर था तो ये हो जाएगा। एंड फिर 9% बोर्न ऑन द डिफरेंट डेट्स, 12 21 29 12 21 29 12 21 और फिर 29। ठीक है, मंथ कौन कौन से, मार्च सितंबर एंड अक्टूबर, मार्च में इतने हो गए और फिर अगस्त सितंबर, फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ठीक है। तो वी लिव, वी वॉज बॉर्न ऑन ओड नंबर
डेट इन द लीस्ट नंबर ऑफ डेज, इसमें ओड नंबर वी या तो इधर आएगा या वी इधर आएगा। बी वाज बोर्न 21st अक्टूबर, ये हो गया। एस एंड ए वर बोर्न ओड नंबर डेट ऑफ द सेम मंथ, तो एस और ए इसमें ही आएंगे, ठीक है। वन पर्सन वी एंड टी, वी एंड टी नीचे आ जाएगा, इसमें ऊपर आएगा क्योंकि इसमें तो वन है दोनों, ठीक है। फिर आर और डब्ल्यू वर बोर्न ऑन सेम डेट, आर डब्ल्यू सेम डेट। ई जस्ट बिफोर, जस्ट आफ्टर ए, ठीक है। तो फिर इधर आएगा एस ए, एस ए ई आ गया इधर, ये कैंसिल हो गया। और आर और डब्ल्यू, आर और डब्ल्यू का ये बच गया, एटलीस्ट वन पर्सन आफ्टर डब्ल्यू, तो डब्ल्यू आर एक बच गया, वो इधर आ जाएगा। ए डी ई, ए डी बच गया है ना, तो डी इधर आ जाएगा। 29th ऑफ अक्टूबर को है आर, एटलीस्ट वन पर्सन बोर्न आफ्टर डब्ल्यू, ठीक है। कम से कम एक तो होना चाहिए। हाउ मेनी पर्सन वर बोर्न बिटवीन ए एंड द 12th ऑफ अक्टूबर, 1, 2, 3, तीन हो गए। और फिर ये बताना डी ए, एक का गैप है, ई डब्ल्यू इसमें भी एक का, एस टी, एस ओ टी इसमें काफ़ी ज़्यादा गैप है, ये होगा। डी वाज बोर्न डी 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 12 मार्च। फिर है हाउ मेनी पर्सन वर बोर्न आफ्टर ई, 1, 2, 3, 4, 5, पांच हो गए। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, तो जल्दी से करते हैं। अनीशा स्टार्ट वॉकिंग टुवार्ड्स द टुवार्ड इस डायरेक्शन फ्रॉम पॉइंट ए, आफ्टर वॉकिंग द 5 किलोमीटर रिचेज पॉइंट आर, एंड शी टर्न्स टू द राइट एंड वॉक 8 किलोमीटर टू रिचेज पॉइंट सी, एंड फिर लेफ्ट 3 किलोमीटर टू रिच पॉइंट एस, एंड फिर फ्रॉम पॉइंट एस लेफ्ट टू रिच द पॉइंट बी एंड वॉक 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर रिच पॉइंट बी। और फिर क्या है, शी रिचेज एट पॉइंट यू आफ्टर वॉकिंग 2 किलोमीटर राइट ऑफ बी, तो इधर यू आ गया। इन विच डायरेक्शन पॉइंट एस विद रिस्पेक्ट टू द ए, एस कहाँ है, एस विद रिस्पेक्ट टू द ए, तो ईस्ट, साउथ ईस्ट हो गया। टोटल डिस्टेंस कवर बाय सी टू यू, सी टू यू 10 और 3, 13। फिर है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए एंड सी, तो 25, 64, 9, 89, यही तो आना चाहिए। 8, 8 का 64, 5 का 25, नन ऑफ दिस, 5 ही था ना, 5 और फिर 8, हाँ 25 और 64 यही आएगा। फिर आते सम ए, सम ए बी, ओनली ए फ्यू बी आर सी, नो सी डी, सम सी कैन बी, बी गलत हो गया, पहले से ही गिवन है। सम डी, सम डी कैन बी ए, ये हो सकता है। ओनली सेकेंड, ओनली फॉलो, ये ओनली का अगला केस हो गया। तो सम रूल्स रेगुलेशन, नो रूल्स आर वैलिड। फिर सम फॉलो कैन बी वैलिड, सम फॉलो कैन बी नहीं हो सकता। नो रेगुलेशन आर वैलिड, नो रेगुलेशन आर वैलिड नहीं पता, तो इसमें नाइदर नोर हो जाएगा। फिर है सम नंबर्स आर डिजिट, नो नंबर, नो डिजिट्स आर फैक्टर, सम फैक्टर्स आर नंबर। ओके सो नंबर ले लिया इधर, फैक्टर और इन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है, तो ऐसा बनेगा ये, ठीक है। ऑल नंबर कैन बी डिजिट, ऑल नंबर्स कैन बी डिजिट नहीं हो सकते। ऑल फैक्टर कैन बी नंबर, ऑल फैक्टर कैन बी नंबर, ये हो सकता है। ओके सो अब आ गया हमारा मैथ्स, 20 मिनट हमने लगा दी लगभग, ठीक है। अब करेंगे मैथ्स का। टोटल नंबर ऑफ एनिमल इन एनी टाउन, ठीक है। टोटल नंबर्स ऑफ एनिमल, टोटल नंबर ये होगी, एंड परसेंटेज दे रखा है फॉक्स का, बचे हुए क्रोकोडाइल हो जाएंगे। इफ द टोटल नंबर ऑफ एनिमल इन एफ, एफ ओके 11/10, 11/8 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ क्रोकोडाइल इन आर, क्रोकोडाइल
फोक्स का दे रखा है कितना है 60, तो 40 हो जाएगा, ये है कितना 74 ही होगा ना, 2, 4, 6, 8, 10, हाँ 74 का 40%, 1, 1 इधर हो गया 2, और 35, 36, 37, ये क्या बात हुई भाई। टोटल नंबर ऑफ एनिमल एफ इज 11/8 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ क्रोकोडाइल्स इन आर, क्रोकोडाइल्स टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स हैं 74, अब 74 का 40% ही तो होगा ये, ओके जीरो भी है ना एक, ठीक है तो इसको नेगलेक्ट कर देते हम, ठीक है 7, 10 एंड फिर 4, और फिर क्या बोल रहा है एंड रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ फॉक्स टू दैट ऑफ क्यू फॉक्स इन एफ, फॉक्सेस इन एफ टू दैट ऑफ फॉक्सेस इन क्यू, क्यू में कितने हैं भाई, तो ये 56, 0 इंटू 40%, 6, 24, 2, 5, 20, 21, 22 हो गया 22, ये जो है 16 के बराबर है, 16 × 16, 16 × 64, 64 × 9 = 126, तो क्या बोल रहे हैं द नंबर ऑफ क्रोकोडाइल 126, 1 एंड फिर यही आना चाहिए 8 और 2, सही है। फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ फॉक्स इन पी टू दैट ऑफ क्रोकोडाइल इन टी, फॉक्स इन पी, तो ये हो गया 68 का फॉक्स का बताना है 68%, 68 का 20% एंड टी में टी का कितना 52, इसका 30 होगा तो 70% हो जाएगा क्रोकोडाइल, 7 का मल्टीपल तो आएगा ही, ठीक है 2 × 25 = 26, 3, 4, 13, 13 × 7 = 91, 34 × 91, ठीक है। इफ नंबर ऑफ एलिफेंट इन एस इज 25% मोर देन द फॉक्सेस इन क्यू, फॉक्सेस इन क्यू कितने है ये 56 का फॉक्सेस 40, ठीक है 6 × 24 = 2, 5, 22, इसका 1/4 यानी 5/4 तो 5, 6, 5, 6, 30, 25, 3, 28 हो गया एलिफेंट क्यू में 280 है क्या। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एलिफेंट एस द नंबर ऑफ क्रोकोडाइल पी, क्रोकोडाइल कितने हैं 68 का 80% क्रोकोडाइल होगा 8, 8 × 64, 8 × 6 = 48, 8 × 6 = 14, 5, 280, 4 और फिर यहाँ से 6, 264 आ जाएगा। कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा है गाइस इसमें। इफ़ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मगर क्रोकोडाइल, रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मगर क्रोकोडाइल एंड सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल इन पी, पी का पहले तो क्रोकोडाइल निकालना पड़ेगा, 68 का 80% यही तो निकाला था अभी हमने, तो 80% 544 आया था, 544 डायरेक्ट लिखते हैं 68 × 8, ठीक है टोटल है 8। देन द फाइंड द नंबर ऑफ मगर क्रोकोडाइल इज व्हाट परसेंट लेस मगर क्रोकोडाइल इज व्हाट परसेंट लेस और मोर देन द एनिमल इन एस, ठीक है मगर क्रोकोडाइल निकालना है तो 5 की वैल्यू निकालनी हमें, 8 आ गया इंटू फोन में 8 था मगर क्या हो गया 5, 40, 4, 6, 5, 30, 34, तो टोटल नंबर ऑफ एनिमल इन एस, एस में कितना लेंगे हम 600, तो 2 आ गया और फिर यहाँ से 5 इंटू 100 करेंगे 202 में, अरे बाद में देखते हैं काफ़ी ज़्यादा टाइम ले जाएगा वरना। फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ फॉक्सेस इन क्यू एस एंड आर, फॉक्स क्यू, क्यू में 56 × 40, ये लिख लेने चाहिए थे, बार बार एक ही चीज़ निकालनी पड़ रही है, फॉक्स का हो गया ये 6 × 24 = 2, 20, 21, 22, क्यू एस में
60 है तो इसका कितना है ये 34%, 6 चौक 24, 2 6 18 19 20। एंड फिर है क्यू एस एंड आर, फिर आर का देखते हैं 74 × 60, 6 चौक 24, 24 के बाद 2 7 42 44, 4 4 8 4 12, 6 1 7, एंड फिर 8 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो 27 9। ओके 6 एंड फिर 2 296 कहाँ गया? अच्छा ये क्या गड़बड़ हो गई, 872 डिवाइड बाय 3, ठीक है वो ये कितने पे गया 872, तो 6 गया 2 पे, 27 बच गया, 7 और कितना हो गया ये 9 गया एंड फिर 2, ठीक है तो ये कितना आ जाएगा 0 9 27, 2 3 6 7 8, पता नहीं क्या गड़बड़ हो रही है मेरे साथ, गलत तो ऐड नहीं कर दिया मैंने इसको, ये रहा ना मैं भी ढूंढ रहा कुछ मिले नहीं रहा, 2 नीचे था, फिर 6 में से 2 के 2 4 माइनस किया तो ये इनटू में 0.5 हो रहा है, 0.5 करने के बाद 4 3 + 1 × 1 - 2, फिर इनटू 42 21 3 63, फिर इनटू 1.5 + 4 कर दिया इधर, फिर होगा इनटू 2 7 2 14 6 2 12 13, और 8 ऐड हो जाएगा 140 सॉरी माइनस होगा 8 126, प्लस माइनस चल रहा है। फिर देखते हैं ये क्या 0 + - 0 हुआ इधर, फिर प्लस 5 और 1 6, फिर माइनस इधर 23 24, एंड फिर प्लस 0 और 6, तो ये हो क्या रहा है 1 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब माइनस 2, 3 का क्यूब माइनस 3, 4 का क्यूब माइनस 4, माइनस होगा 5 का क्यूब माइनस 5, यानी कि 120 माइनस होगा 1087 में 769 967। ठीक है तो इधर डैश डैश, और फिर यहाँ पर हो रहा है 12 और 1 13, प्लस का 13, एंड फिर प्लस 2 2 10 11 12 13 हो गया था इधर, एंड फिर इधर 18 19 20 21 22, और इधर कितना हो रहा है 38 हो रहा है। हाँ तो चल क्या रहा है इसमें 6 1, और फिर यहाँ से 7 8 1 9, 3 4 3 3 4 2, फिर 1 2 का मतलब इधर हो जाएगा 4, इधर 1 ही होगा तो 4 माइनस करेंगे 9, 1 माइनस करेंगे 8 करेंगे 320 आ जाएगा, फिर है प्लस 3 + 6 + 9, 3 6 9 12 हो जाएगा, 3 6 9 12 38 1 5 51, एंड फिर इधर इसको मैं स्किप करना, एक सेकंड देखते हैं डैश डिवाइड
डिवाइड बाय 4 इसको स्किप ही करेंगे, बाद में देखते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ हर्ट्स दे रखे हैं, इसको भी स्किप करते हैं एक सेकंड के लिए, मार्क कर लेते हैं कहाँ से स्टार्ट है। अब ये देखते हैं प्लस है तो माइनस, प्लस 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 7243 एंड फिर इधर ये हो जाएगा ख़त्म। और इधर माइनस माइनस, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस माइनस एंड इधर इंटू टू इंटू थ्री, उधर क्या हो रहा है 3 और 2, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 और फिर इधर 4 और 4 16 और 1 16 3 48 और 1 3, तो y इज़ ग्रेटर देन हो जाएगा इसमें। और इसमें माइनस प्लस माइनस माइनस 1/4 इंटू 4 से ये कर देंगे 3 और 2, 3 4 3 12 और 4 दूनी 8, 4 और 3 आ जाएगा इसका सिर्फ, तो ये भी ख़त्म हो गया। फिर माइनस 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 7 6 42, 4 6 और 2। ठीक है, तो इसमें y greater than equals to x। ओके, सो ये काफ़ी अजीब सा है, 1 equals to 1/x इंटू 36 दूनी 72 एक्स माइनस 11 इंटू में 36x का स्क्वायर हो जाएगा, उस तरफ जाएगा 36x² माइनस 72x प्लस 11 इक्वल्स टू 0, एक तो ये बन गया, और 3y हो जाएगा इधर, y उस तरफ 14y² 9 3 27 13 13 39 वाई, तो ये कितना हो जाएगा 14y² माइनस 39y प्लस 27 इक्वल्स टू 0, दोनों ही प्लस 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 प्लस, इधर 7 और फिर 18 दूनी 36, तो इधर इंटू 18 इंटू 7 9 चौक 36 इंटू 11 44 नहीं बनेगा, 99 और फिर ये भी नहीं बनेगा, तो इसको तोड़ देते हैं 3 4 3 12 नहीं, इंटू 2 इंटू 2 2 दूनी 4 ये नहीं बनेगा यार, 3 दूनी 6 66 और फिर 3 3 6 हाँ ये बन जाएगा 66 इंटू 7 और 7 6 42 और इधर से कितना बनेगा 7 इंटू 2 9 इंटू 3 39 बनाना है, तो 7 3 21 9 दूनी 18 8 9 3 बन गया 21 और 7 6 42 4 42 43 44 44 तो ये CND जाएगा इसका। ओके, सो ये है क्वेश्चन, इसका कितना कैसलेट है कि ठीक है, कॉमेडी मूवी रिलीज्ड इन 2021 इज 50, 2021 में हुई थी 50 कॉमेडी, एंड रिच ऑफ द कॉमेडी इन कितने ईयर दे रखे हैं ये विद टू डिफरेंट ईयर्स, 2020 का डाटा एक तो एंड 2021 का है, और कॉमेडी आगे और आगे 2021 में थी 50 और रिच ऑफ द कॉमेडी रिलीज इन 2020 और हॉरर इस 3 और 2। ठीक है, हॉरर मूवी रिलीज 2020 इज 1/3 मोर यानी कि 4/3 देन द कॉमेडी मूवी रिलीज यानी कि 4 ही हो गया। द एवरेज नंबर ऑफ हॉरर मूवी रिलीज इन 2020 एंड 21 एवरेज है तो 210 हो जाएगा टोटल, और इसकी 6 की वैल्यू है ये 6 3 18 18 2 3 5 35 दूनी 70 आ गया 70 140 35 70 105 आ जाएगा इधर। ठीक है, फिर कॉमेडी मूवी रिलीज इन 2020 105 इज 1% मोर हॉरर मूवी रिलीज इन द सेम ईयर, तो 35 ही कम में
मोर देन सेम ईयर 140, तो इधर 1/4 आ जाएगा, 20% 25 सॉरी 1/4 ही आएगा ना, हाँ चार था। फाइंड द रेशियो ऑफ द हॉरर मूवी रिलीज 2021, हॉरर मूवी 2021 हो गया 70 टू कॉमेडी मूवी 20 105, तो वही बनेगा 2:3। कॉमेडी मूवी रिलीज इन 2022 में 32.5 कितना होता है, 3/8 32.5 शायद से, तो यही होना चाहिए 32.5 का, तो 1/2, 3, 4, 5 ना 3/8 तो लेकिन उसका था यार शायद, हाँ इसका नहीं आएगा, ये था 37.5 का, तो 32.5 का निकालना होगा हमें, 2 × 4, 3 × 6 65/200 4 × 0 13, तो ये होता है इसका 13/40 मोर देन बोला है तो 3 × 5/40 आएगा 53/40 मोर देन द हॉरर मूवी रिलीज इन 2020 140/72 ये तो पॉइंट में आएगा फिर, अच्छा ठीक है। फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ कॉमेडी मूवी रिलीज इन ऑल द ईयर, सब ये 21, 2, 7, 5, 35, 36, 37/2 कॉमेडी मूवी सभी की सभी बतानी है 165, तो इधर इसको 5 × 10, 10 × 1, 6 × 12, 13, 1, 2 × 3 307, 2 से करेंगे तो 350 एवरेज था ना, तो 1/6 हो जाएगा, 6 × 1 गया तो 101 आया मेरा, तो 5 × 10, 7, 6 × 12, 13, 13, 40, 53/40 मोर देन द 2020 हॉरर मूवी 7, 2, 7, 21, 2, 7, 35, 36, 37/2 एंड फिर क्या बोला है, फाइंड द नंबर ऑफ कॉमेडी मूवी रिलीज इन ऑल थ्री ईयर, 5, 5, 5, 1 तो 155 होना था ये, और इसका डबल कर देंगे तो कितना आ जाएगा 310, तो यहाँ 310 ऐड करेंगे 186, यहाँ फिर कितना जाएगा 3 × 6, 1 फिर भी एक एक ही आया भाई मेरा, तो पता नहीं कहाँ गड़बड़ की है। हॉरर मूवी रिलीज इन 2019 इज 20% लेस देन द कॉमेडी मूवी रिलीज इन, कॉमेडी मूवी रिलीज इन 21, तो इसका 20% निकालेंगे 5 × 10, 40 आ जाएगा। द रेशियो ऑफ द कॉमेडी मूवी रिलीज इन 2019 और 20, कॉमेडी मूवी 19 और 20 105/4 कैसे निकलेगा भाई, अब ये रेशियो ऑफ द कॉमेडी मूवी रिलीज इन 19 और 20, 19 में 5 है इधर 4 है, 4 की वैल्यू तो ये 105 है, पता नहीं क्या ही हो रहा है। फाइंड द डिफरेंस टोटल मूवी रिलीज इन 2020 और 21, तो 0, 5, 4, 2, 120, 5, 2, 1, 125 यही गलत निकाल दिया मैंने, फिर मेरा क्वेश्चन ही गलत है। डिफरेंस बिटवीन टोटल मूवी रिलीज 2020 और 21, कॉमेडी मूवी रिलीज 2021 50, द रेशियो ऑफ द कॉमेडी मूवी रिलीज इन 2020 एंड हॉरर मूवी, कॉमेडी मूवी 2020 और हॉरर मूवी 2021 3 × 4, 3 × 2 एंड हॉरर मूवी रिलीज 2020 इज 3/1/3 यानी 4 मोर देन 4 हो जाएगी 3, अगर ये है तो इसकी 4 सही थी। एवरेज नंबर ऑफ हॉरर मूवी इन
20 और 21 तो इसका 210 होना था, 210 जिसकी वैल्यू 6 थी, 6 थी 18, 6 पंजे 30, 35 ही तो होगा 35, 70, 70 105, तो 140 डिफरेंस में टोटल मूवी रिलीज इन 2020, 105, 140, 5, 9, 2 और 120, 571, 175, 4 आएगा ना यार, 125 ही आ रहा है फिर भी, छोड़ो इसको एक बार। क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हुआ इसमें तो, कोई और छोटा क्वेश्चन नहीं है क्या? फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर इतना, इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज हाफ ऑफ द लेंथ एंड द ब्रेथ इज इक्वल, बोथ का कहाँ है स्टेट, बोथ द स्टेटमेंट आर टुगेदर नेसेसरी, नाइदर ऑफ देम अलोन इज सफिशियंट, नाइदर सफिशियंट नाइदर आइदर आइदर, ठीक है। फिर एक कॉस्ट प्राइस निकालना है, रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस एंड द डिस्काउंट, शॉपकीपर मार्क द प्राइस 40% अबोव द कॉस्ट प्राइस एंड डिस्काउंट इतना, डिस्काउंट देने दे दिया इतना, पहला काफ़ी है निकालने के लिए, ठीक है। मार्क प्राइस दे दिया इतना, तो इतना ऊपर है तो डिस्काउंट इतना दे दिया, फिर कॉस्ट प्राइस, ठीक है, तो पहले इनफ है, ओनली वन अलोन इज सफिशियंट, बट फाइंड द टाइम टेकन बाय डी टू कंप्लीट द होल वर्क, ए बी सी डी इतने दिन में करते हैं, तो दोनों की जरूरत पड़ेगी, पहले वाले में डी तो है ही नहीं, बोथ कहाँ है, बोथ, ठीक है। फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू कवर 195 इन डाउन स्ट्रीम, रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर टू द करंट इतना है, ठीक है। हाँ तो इसमें भी दोनों की जरूरत पड़ेगी, पी ए एंड डी इन्वेस्टेड रुपीज इतना इन द बिजनेस इन द रेशियो ऑफ दिस बिजनेस, व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट अर्न बाय आफ्टर ईयर, डी गोट इतने प्रॉफिट एंड द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट पी एंड डी इज दिस अलोन, काफ़ी है ये दोनों, नाइदर वन नोर टू, नहीं आइदर वन और आइदर टू। सो अभी ये वाला देख लेते हैं क्या है, द नंबर ऑफ फार्म आर मोर देन द नंबर ऑफ हर्ट्स इन ईच विलेज, ठीक है। डब्ल्यू विलेज डब्ल्यू है 75 हर्ट्स मोर देन वाई, डब्ल्यू कहाँ है, डब्ल्यू ये रहा, डिफरेंस बिटवीन दिस 75 मोर हर्ट्स मोर देन द बी, यू बी डब्ल्यू एक्स वाई, हर्ट्स आ गया, डब्ल्यू का कितना दे रखा है 15 और वाई का यानी कि 10 की वैल्यू आई 75, 2 की 15, एक की वैल्यू आ जाएगी 15/2, 15 × 2 = 30 हो गया इधर, एंड फिर 18 करेंगे तो 9 × 15 = 135, फिर 15 × 225/2, अब ये कैसे होगा, मोर देन वाई बोला है तो 5 की, अरे यार 5 की वैल्यू 75 है ना, तो 10 × 15 हो जाएगी, एक की वैल्यू होगी 15, 15 × 8 = 120 और 18 × 15, तो एक की वैल्यू 15 आ गई, सिंपल सी बात है, कोई छोटा क्वेश्चन नहीं है। फाइंड द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ हर्ट्स वी, वी में कितनी बनेगी 18 × 15, द नंबर ऑफ फार्म इन वाई, वाई में इधर 150 गई और जो क्या बोला इसने कि फार्म्स आर मोर देन हर्ट, ठीक है, तो फार्म कितना हो जाएगा 290 और इधर
तीन पाँच चार आठ पच्चीस उनतीस नौ तीस सत्ताईस और फिर उनतीस। नंबर ऑफ आर्म यू में कितने हो जाएंगे 180 300 इज़ 1% मोर और लेस दैन द हर्ट सिंह डब्लू डब्लू 15 225 तो 75 225 वन बाय थ्री। कोई और क्वेश्चन नहीं है छोटा मोटा? पी एंड क्यू कैन डू ए पीस ऑफ वर्क टुगेदर 24 क्यू एंड आर टुगेदर इन 18 एंड फिर क्या बोला पी वर्क ऑन इट 4 days। ख़त्म ही हो गया भाई, बहुत ही कम हुआ है। सो गाइस आपका बताना क्या कुछ अटेम्प्ट हुआ, ठीक है। सो ये था मॉक, क्वांट में बहुत ही कम मेरा रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट मॉक में, ओके। तब तक के लिए गुड बाय।